પરોટપાટિયા વિસ્તારના આરએમજી શાળા વિવાદમાં આવી ગઈ, જો કે ફી નહીં ભરનાર વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં નહીં બેસવા દેતા વાલીઓ પણ અવઢવમાં મુકાઈ ગયા છે। ફી નહીં ભરનારા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાથી વંચિત રાખવાનો કિસ્સો પરોટપાટિયા વિસ્તારની આરએમજી શાળામાં સામે આવતા શિક્ષણ વર્તુળમાં ખલબલીનો માહોલ પેદા થઈ ગયો છે। ફી નહીં ભરનારા 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં પ્રવેશ જ ન આપવામાં આવ્યો, જેને લઈને હવે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે। ફી ભરો તો જ પરીક્ષા આપવા દઈશું એવી શાળા સંચાલકોની દાદાગીરી ભર્યો સૂર હતો, તો બીજી બાજુ તમામ 50 વિદ્યાર્થીઓ શાળાની બહાર સવારે 7 વાગ્યાથી જ ઉભા રહી ગયા। તેમના પ્રવેશની રાહ જોઈ રહ્યા હોય, પરંતુ શાળા સંચાલકો મગનું નામ મરી ન પાડ્યું, તેમની અવચંડાઈ પણ બતાવી હતી। વાલીઓમાં શાળા સંચાલકો સામે રોષ વ્યક્ત કરતા આખેર સંચાલકોએ પોલીસ બોલાવવાની નોબત પણ આવી હતી। आरएमजी महेश्वरी में पढ़ते और है ना, यहाँ पे हम लोगों को फीस के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, पहले यूनिफॉर्म के लिए किया, अब फीस के लिए कर रहे हैं। कितनी फीस बाकी है और क्या बोला गया है? 3 महीने की तो हम भर चुके हैं, 3 महीने की बाकी है, दिवाली के बाद अभी तक 6 महीने हो रहे हैं, फिर भी हम लोगों से फीस मांग रहे हैं। तो आपको ये फीस नहीं भरे तो क्या करें आपको? हम लोगों को हॉल टिकट नहीं दे रहे, हॉल टिकट के बिना हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दे रहे, और बोला कि नीचे जाके बैठो, पहले 2 घंटे का टाइम दिया, आप तो बोल रहे कि अभी आपके पास 15 मिनट भी नहीं है, जाके नीचे। और मीडिया के डर से अभी 15 मिनट बचे एग्जाम के लिए, और अभी बोलते कि आ जाओ ऊपर एग्जाम दे दो। क्या बोलना चाहते हैं आप ये बारे में? हम लोगों को तो यही बोलना है कि है ना, या तो हम लोगों को फीस के लिए टाइम दो, या फिर तो फीस कम करो, कुछ तो करो। पेरेंट्स को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, और पेरेंट्स बोल रहे हैं हम क्या क्या करें। अरे कमिश्नर कौन है मैडम आपके स्कूल का संचालक? हमारे निधि मैम। हमने क्या बोला गया आपको? निधि मैम ने बोला कि अभी आपको फीस भरने के लिए टाइम नहीं है, जाओ नीचे जाके बैठो। कितने बच्चे बाहर निकाला गया था? कम से कम 40 या 50। जी आपका नाम? बसंती पुरोहित। बसंती बहन आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, क्या हुआ है? आरएमजी महेश्वरी इंग्लिश स्कूल है। क्या समस्या हुई है? समस्या सर फीस की वजह से हुई है, फीस नहीं भरी इसलिए बच्चों को एग्जाम के दिन बाहर निकाल दिया। आज एग्जाम थी 8 बजे की, उससे पहले ही बच्चों को बाहर निकाल दिया। अब हमको कभी बोला ही नहीं फीस के बारे में, अब पहले बोल देते तो हम पहले ही दे देते ना फीस। फीस बाकी थी और क्या बोले? फीस सर 3 महीने की बाकी है, अगले साल की तो हमने पूरी पूरी फीस 40,000 भरी है। फीस नहीं भरने से आपके बच्चे को बाहर काढ़ा गया है क्या? हाँ बाहर निकाल दिया, 3 घंटे से बच्चे बाहर भूखे पे यहाँ से खड़े हैं। यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? अभी कुछ नहीं बोल रहे सर, वो पुलिस स्टेशन चले गए हैं सर। आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी फीस भी कम करो, और बच्चों को परेशान मत करो रोज, एग्जाम हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है सर। फीस की वजह से बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? एग्जाम के दिन ही आप क्यों बाहर निकाले इनको?